परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब 1% पर आकर हार नहीं मान सकती। तुम मुझसे कहते हो ना कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में लाकर भर दिए हैं? तो सुनो, मैंने तुम्हें अपने संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारे हर एक जन्म में तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल्य लगा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और तुम्हारे पिता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। इसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी आंखों से तुम दूर जाओ, और ना ही कोई तुम्हें तकलीफ भी दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहाती है ताकि उसकी सुंदरता खराब ना हो सके। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वो बच्चा रोता है और अपनी माता से विनती करता है कि माता, बहुत ठंड है। पर उसकी माता उसे डांटती हैं, कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वह तो नादान बालक है। वह जिद में रो रहा है, बचपना में रो रहा है। उसे अभी कुछ समझ नहीं है कि सही गलत क्या है, परंतु माता सब कुछ जानती है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वो उसे ज़्यादा बीमार करेगा। मेरे बच्चे, इसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा हूँ। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी वो आदत जो तुम्हें बार बार कहती थी कि इस कीचड़ में खेलना अच्छा है क्योंकि बाकी सब भी तो वहीं पर खेल रहे हैं, बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के, तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। तुम कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ गिरे रहो। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया हैरान रहे। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा हूँ। तुम खुद को ही बीमार कर रहे थे, तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे
वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों को असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियाँ ली हैं जितना तुम्हें ज़रूरत थी। तुम्हारी शक्तियों को बचा कर रखने के लिए यह आवश्यक था। मेरे प्रिय, मैं बस वही किया जो ज़रूरी था। अपने बच्चों को इस संसार से गंदगी से बचा कर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे कभी रो हो या सोच कर कि तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम नहीं करते, परंतु सत्य तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों को एहसास नहीं हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है। यह क्या तुम इससे लाखगुना ज़्यादा सह कर भी हार नहीं मानोगे? तुम हारने वाले और भागने वालों में से नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है सच्ची भक्ति करना। कोई आम इंसान ईश्वर से इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे सारे ऐसे संकेत दूंगा जिसके माध्यम से तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हें सपनों के माध्यम से बहुत से संकेत दूंगा। बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगे तुम्हें, बस तुम्हें अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगे हर एक जगह से। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी हर जगह से। मेरे बच्चे अपने माता के लिए 1111 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारा प्रकृति से और भी लगाव बढ़ेगा। पक्षियों की चहचहाहट तुम्हें सुनाई देने लगेंगी। तुम्हारा मन जब भी विचलित होगा, मंदिर की घंटियां तुम्हें आवाज देंगी। यह सभी दिव्य संकेत तुम्हारे मन में चल रहे उलझनों का उत्तर भी देंगी। और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अर्जी ऊर्जाओं से चुनने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। वह दिव्य हैं, वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सक आ सकते हैं। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशनल मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा ही रहा है। उसने भी तो तुम्हारी सहायता की है ना? अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, इस संसार में, खुद में। तुम खुद को ब्लेस्ड फील करोगे। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का स्मरण करें। मेरे प्रिय, तुम देखोगे तुम्हें अच्छे लोग मिल रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता की। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा।
पैसे से संबंधित सभी परेशानियां खत्म होंगी। तुम्हें खुद भी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम अपना व्यापार शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत से लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें स्वयं ही नए नए विचार आने लगेंगे। यदि तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास अपना हक मानते हो, इसी हक से मुझसे प्रेम करो, इसी हक से मुझ पर क्रोध होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ मेरा हक हो जाता है, और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ी से बड़ी तूफान क्यों ना आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकती। वह इंसान कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे तूफान में उसके माता पिता उसके साथ खड़े हैं। मेरे बच्चे, अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो, आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब वह लड़ने की क्षमता कम हो रही है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा। अपने माता पिता के लिए यह जंग पूरी लड़नी होगी। इसीलिए उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो और तुम में यह गुण विद्यमान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुप पाया है। उनका तो कार्य ही है हर काम में बाधा डालना और तुम्हें कहीं ना कहीं से नीचा दिखाना। गलत षड्यंत्र रचना तो उनका कार्य है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी क्रियाएं चाल चली हैं, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई भी रुचि, कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। अब तुम्हें कोई मानसिक तनाव नहीं होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मौन रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत चेहरे की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में
भय जाग रहा है, इसीलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही है। तुम्हारी हर क्षेत्र में दिव्य बदलाव आ रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें अनेकों धन के स्रोत प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करके 111 अंक लिख कर मेरी विजय अवश्य ही होंगी। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।